What is your favorite day of the week? Sunday. So if you could be an animal? Pegasus. Okay, because yeah, you can fly? Yes. If you need to give me a gift, like a book, which one you would like to give? A book, I'm okay, you're okay. So when I can expect? Anytime. फिर ये जो हिजाब है या भी बुरका है जो भी है बच्चों को क्यों पहना के स्कूल भेजना है? इन मुस्लिम कल्चर वो हिजाब उनके लिए एक टाइप का प्रोटेक्शन है, उनके गर्ल्स को शायद बाल नहीं दिखाना है तो इसलिए वो पहनते हैं। मैं उसके अगेंस्ट हूँ बिकॉज अगर वो कह दें कि हिजाब निकाल दो, इतने सालों से क्यों टॉलरेट किया था और सडनली उनको क्यों लगा कि हिजाब नहीं पहनना है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा है और उन सदगुरु को मेरा प्रणाम। मैं प्रमोदास शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे बियर बुक्स में। दोस्तों, गुरु का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनका योगदान काफ़ी बड़ा है। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ होता ही है, क्योंकि गुरु एक जगह रुककर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है और इसीलिए उन्हें उजाले का दीपक बोला जाता है और कभी कभी तो माँ बाप से बढ़कर उनको माना जाता है। तो क्यों ना आज आपको किसी ऐसे गुरु से मिलाया जाए जो 25 सालों से कई लोगों के जीवन में उजाले बिखेर रही हैं। शी ओन्स ए कपल ऑफ स्कूल इन बैंगलोर, द बैंगलोर स्कूल, द ग्रीन बैंगलोर स्कूल एंड हैज अचीव्ड माइलस्टोन्स थ्रू सेवरल डिफरेंट एवेन्यूज। बट द बेस्ट पार्ट इज शी डजंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, शी वॉन्ट्स टू बी नोन एज एडुप्रेन्योर एंड इकोप्रेन्योर। गाइज, आई कैनॉट वेट एनी फर्दर टू मीट वन ऑफ माई फेवरेट्स, श्री उषा मोहन जी। लेट्स hear it from her. Usha ma'am, thank you so much for coming. I'm very excited to have a conversation with you because my learning takeaway is going to be phenomenal today. I strongly believe. So I think it's mutual. No, absolutely, absolutely. Ma'am, to start with, मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज की डेट में आप इसे कितना एग्री करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक बियर बुक्स एंड थैंक्स टू राज टू हैव इनवाइटेड मी हियर। यस, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड, बिकॉज ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर हम खेलेंगे कूदेंगे तो खराब होंगे एंड सब लोग बोलते हैं पढ़ाई करना है। बट आई फील लाइक स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन बोथ शुड बी गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस। और हमारे स्कूल में जो मैं चलाती हूँ उसको हम 60% एकेडमिक्स करते हैं, 40% एक्स्ट्रा करिकुलर्स। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उस ज़माने में यस, पढ़ाई एकेडमिक्स वॉज गिवन लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड पेरेंट्स सोचते थे कि बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है। बट अभी स्पोर्ट्स में भी करियर्स हैं और भी अदर फील्ड में कैरियर्स हैं, वो पेरेंट्स को भी अभी मालूम चल गया है, तो आई थिंक दे आर ऑल्सो ओके विद इट टू गिव दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग नोशन। और मैं इसको बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ इसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एग्जैक्टली, आई बिलीव इन द सेम माइंड सेट। मेरे पास एक और क्यूरियोसिटी है मैम कि अगर किसी को टीचर बनना है, एंड करेक्ट मी, इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट एंड यू कैन करेक्ट मी यू नो इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर किसी को टीचर बनना है तो इट नीड्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैशन, राइट? सो डिड यू ऑल्सो गो थ्रू ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू बिकम और रीच वेयर यू आर एक्चुअली राइट नाउ? अनफॉर्चुनेटली हैवंट स्ट्रगल्ड मच। आई वॉज वेरी लकी एंड एट एवरी स्टेप आई हैड मेंटर्स, आई कैन से, बिकॉज आई रिमेंबर वे बैक व्हेन मुझे जो है मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कुछ और करूँ और मुझे दिल्ली लेके गए थे उन्हें होटल मैनेजमेंट कराने के लिए। बट जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा था कि मुझे जो बनना है वही करना है और आई ट्राई टू कन्विंस माई मदर एंड सेट कि मुझे जो है टीचर बनना है एंड दे वेरी शॉक्ड बिकॉज दे वॉन्टेड मी टू टेक सम अदर करियर। ऑफकोर्स एवरी पेरेंट का एक ड्रीम होता है। जब मैं वापस आई थी और मैंने आई थिंक मम्मी को बताए बिना
मैंने जाके टीचिंग जॉब ज्वाइन कर लिया. उसके बाद तो आई नेवर लुक बैक एंड इट वेंट ऑन एंड ऑन लाइक वन आफ्टर द अदर. एंड टुडे मैं जिस पैगाम में पहुंची हूँ, आई थिंक आई हैव टू थैंक लॉट ऑफ मेंटर्स बिकॉज एवरी स्टेप आई थिंक आई गॉट सपोर्ट. लाइक मैं जब अपने ओन स्कूल में गई और मैंने अपने प्रिंसिपल से बोला कि मुझे जो है टीचर बनना है, तो उन्होंने बोला क्यों, तुमने तो सिर्फ BA पास किया है और अभी तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाई करना है. आई सेड आई वांट टू स्टैंड ऑन माय ओन लेग एंड आई वांट टू सपोर्ट माय पोस्ट ग्रेजुएशन. मुझे खुद अपने पैसे से मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. आई थिंक वो एक काइंड ऑफ फीलिंग था कि अर्न करना है. वेर इज माई पेरेंट्स नेवर सेड यू हैव टू अर्न. माई फादर वॉज नॉट इन टाउन, ही वॉज अब्रॉड दैट टाइम. सो मुझे लग रहा था कि मुझे अपने आप कुछ करके दिखाना है. और उसमें जो है एंड पैशन भी था टीचिंग. और आई वॉज जस्ट 19 व्हेन आई स्टार्टेड द करियर एज अ टीचर एंड आई वॉज टीचिंग अ बंच ऑफ आई थिंक 12-year-old. सो हार्डली अबाउट 5 years डिफरेंस बिटवीन मी एंड द स्टूडेंट्स. तो मैम वो पैशन डेवलप कैसे हुआ? पैशन बिकॉज आई थिंक माई रोल मॉडल वॉज माई प्रिंसिपल. मिसेस खन्ना वॉज माई रोल मॉडल. टुडे आई कैन से ओपनली दैट बिकॉज द वे शी इज़ टू बी डिग्निफाइडली कम असेंबली में खड़े होकर बात करती थी. मैं उनको हमेशा इंदिरा गांधी बोलती थी उनको. मतलब बहुत सिंपल लिविंग, यू नो द वे कॉटन साड़ीज, क्रिस्प कॉटन साड़ीज एंड यू नो प्लेन यू नो द सैंडल्स एंड द वे शी इज़ टू कम एंड कमांड एंड टॉक. आई मीन शी हैव दैट डिग्निटी एंड मुझे लगता कि मुझे उनकी तरह बनना है. हमेशा ही मुझे लगता था कि उनकी तरह बनना है. और सेकेंड पर्सन हुम आई वॉज लाइक great in awe was Mrs. Gandhi that time. She was the Prime Minister. And I've grown with seeing her talking on the television. And my role play was every time I used to be announcing or talking like a TV anchor aur unki tarah baat karna, aise mic ko leke baat karna. Hamesha mujhe lagta tha ki I have to be at the hem of affairs. So I think that these people have played a major role in me thinking that I have to be in a leadership role. And I used to love kids. I think that you can really unwind and they can be real stress busters for you. And that is one of the reasons I think I have become teacher, because the passion is the kids, you know. Okay. Since you are talking about your, you know, the history, थोड़ा time travel करते आपके childhood में पहुँचते हैं. आप मुझे बताइए, आप childhood में आपकी journey कैसी थी और खासकर अपने आपके माता पिता के बारे में कुछ बताइए. Yes, I think there are two people, later I can say about the second person, but right now I can say my mom is my inspiration, or rather will always be my inspiration, although she is not there anymore. But meri mummy ka itna bada role raha hai, kyunki khud unhone jo hai, jab padhai kar rahi thi, unki shaadi ho gayi thi, to unhone mujhe bola ki shayad apne parents apne dreams bachchon mein dhoondte hain, to she always wanted all the daughters, we are all 4 daughters, एंड शी वॉन्टेड कि हम सबको अच्छा एजुकेशन देना है और अच्छी पढ़ाई करानी, उनका ये था. बट आई वॉज ऑलवेज अ टॉम बॉय. आई वॉज एंड मैं हमेशा पतंग उड़ाना, मार्बल्स खेलना, पेड़ में चढ़ना, यही पसंद था मुझे. तो माई मदर सेड नो, यू हैव टू बी लाइक अ गर्ल. यू नो हाउ इन द ओल्डन टाइम्स में बोलते हैं कि लड़कियाँ ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती. बट आई रियली लव माई मॉम बिकॉज मुझे सब कुछ करने दिया जो एक मैं करना चाहती थी. चाहे मुझे एक स्कूटर चलाना है या मुझे कुछ भी करना है, शी नेवर से नो टू इट, बट शी ऑलवेज कॉशन मी कि हो सकता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है. तो वैसा जो चाइल्डहुड रहा है, इट्स बीन ऑलवेज लाइक टॉपसी टर्वी, बट इट्स बीन गुड, इट हैज नेवर बीन बैड. सो व्हाट अबाउट योर डैड? माय डैड वाज नेवर देयर इन टाउन. 20 days और 25 days इन अ मंथ यूज़ टू ट्रैवल. दोज डेज देयर वाज नो फोन एंड मैं हमेशा सोचती थी मैं क्यों अपनी मम्मी को एडमायर करती थी. आई कैन टॉक वेरी ओपनली अबाउट दिस बिकॉज my father used to send her wire transfers money wherever he was, and there are days when dad was not reachable because he was surveyor. wo kabhi kabhi janglon mein rehte the, kabhi bhopal ke janglon mein, madhya pradesh janglon mein. mummy bahut sari kahaniyan bhi bata chuki hai ki kaise unke sath travel karti thi and all. but my mother was a strong lady. kabhi aisa nahi kaha ki mere paas paise nahi hai, main tum logon ko educate nahi kar sakti. i know at point when, because we were all young children, and at a point she has even sold her jewelry and her bartan because she was not, dad was not reachable. it was like that. but she has always kept the high family going because she was not working, she was a housewife. but she always thought that, you know, ki mere bachchon ki achhi padhai karani hai. to kabhi unhone ye nahi socha ki is school mein 250 rupees fees hai. us zamane mein 250 is like almost like about say 20-30,000 rupees fees. kitni hai monthly to main kaise dungi, nahi. but wo chahte the ki mere bachchon ki achhi padhai honi chahiye. तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि मेरी मम्मी का जो रोल रहा है, जैसे टीचरों से आके बात करना, प्रिंसिपल से आके बात करना, हमको पढ़ाना, देन घर में खाना बनाना, आई मीन शी वॉज अ मल्टी टास्कर.
And looking at her, I think I was also thinking like, how will I do this juggle if I'm going to be a homemaker as well as a working personal? So, but I learned a lot from my mom. So did you miss the gap between you and your father? Yes, we missed it a lot. And I think I must give the credit to mom, because mommy jo hai dual role play karti thi. तो उनको लगता था कि ठीक है, आई मीन पापा नहीं है तो उनको वो वाला गैप हमको मतलब कभी फील करने नहीं दिया. हमको ये नहीं फील करने दिया कि पापा नहीं है तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मेन जनरली डू विद द चिल्ड्रन, लाइक टेकिंग देम आउट, पार्क में ले जाना और यू नो शॉपिंग कराना. वो वाला रोल भी मम्मी ने प्ले किया है, इसलिए जो है ज़्यादा पापा की गैप महसूस नहीं हुआ. बट जब भी पापा आते थे, ही यूज़ टू कम इन अ जीप विद हिज पर्सनल विद यू नो लाइक इट्स इज लाइक एन आर्मी जॉब ना, उनका भी जो सर्वे जॉब था. तो उनके साथ जो खलासी आता था और जैसे आता था तो हमको एक एक्साइटमेंट होती थी कि डैडी आ गए. तो जबकि मम्मी सबसे ज़्यादा काम करती थी घर पे, बट वो अटैचमेंट डैडी के साथ था, बिकॉज वो 5 दिन जब रहते थे तो इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट डैड, लाइक दैट इट वॉज. बट डैड्स रोल वॉज अ डिफरेंट रोल, बिकॉज ही टॉट अस टू बी सेल्फ सस्टेनेबल. उन्होंने हमें कारपेंट्री सिखाई, उन्होंने हमें गार्डनिंग सिखाया, हाँ उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं. वो चीज़ जो है, मैं हमेशा डैड को सैल्यूट करती हूँ, बिकॉज टुडे आई हैव इंट्रोड्यूस ऑल दैट इन माई स्कूल, कारपेंट्री एज वेल एज गार्डनिंग, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों में के बीच में पली हूँ कि कैसे गार्डन में ऑर्गेनिक मैन्यूर बनाना है, कैसे जो है गार्डन को देखभाल करना है, ये सब डैडी ने सिखाया था. आप अपने 20s के बारे में कुछ बताइए. जब आप I started working at the age of 19 and the way like aaj jitna hum log main baat kar rahi hu aise main baat nahi karti thi. I used to be like a quiet person in the college. I just graduated. I was bahut sher o shayari likh karti thi. Achha. And kavi sammelan mein participate karti thi aur bahut acha sa. Abhi meri hindi bahut kharab ho gayi hai, wo log sochenge ki kitna acha hindi baat karti thi pehle. Log nahi sochte ki main Tamilian hu aur main sher nahi likh sakti. Bahut acha sher likhti thi उस जमाने में. पर उसके बाद मेरा टीचिंग करियर शुरू हो गया था एज ऑफ 20, एंड वेरी यंग एज में मैंने जो है काफ़ी कुछ अचीव किया, विच वॉज रियली कमेंडेबल द वे माई प्रिंसिपल लाइक ऑल द अदर कोलीग्स हैव ऑल सपोर्टेड. बहुत वो 4 साल का जर्नी जो मैं देहरादून में रही थी एज अ टीचर, इट वॉज अ ग्रेट टाइम स्पेंडिंग विद चिल्ड्रन, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत ट्रेनिंग वर्कशॉप्स थे. मिसेस खन्ना के एक बेटे थे, मिस्टर खन्ना, आई केम फ्रॉम थाईलैंड एंड हांगकॉन्ग, एंड ही सेड कि ऐसे चलना है, ऐसे साड़ी पहनना है. उस टाइम साड़ी पहनना बहुत बड़ा आर्ट था. इट वॉज अ टास्क. यस, इट वाज अ टास्क, बट ही विल नॉट लेट अस वेयर एनी अदर ड्रेस एक्सेप्ट द साड़ीज, एंड आई थिंक दैट शुड वॉज मेड कंपल्सरी दोज डेज. आई मीन दिस वॉज अमेजिंग. आई मीन आई लर्नड ऑल दैट स्टफ इन दैट स्कूल. मैम, आप खुद एक, अगर मैं आपकी पूरी जर्नी की बात करूँ तो आप खुद एक बेटी रही हैं और अब आप एक माँ हैं, एक टीचर हैं, तो आपको कितना डिफरेंस दिखता है अपब्रिंगिंग स्टाइल में तब के समय और अभी के समय में? और क्या आपको ऐसा आपने इंश्योर किया है कि मैं ऐसी माँ, मैं ऐसी पेरेंटिंग दूंगी अपने बच्चों को जो मैंने मिस किया है अपने टाइम में? आई थिंक मैं अपने आप को वेरी गुड पेरेंट नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज मैंने जो है जस्टिफाइड नहीं किया और ज़्यादा जस्टिस नहीं किया अपने बच्चों के साथ, बिकॉज आई नेवर सीन दम ग्रोइंग दैट वे, बिकॉज हाफ द टाइम आई प्रोफेशनल रही हूँ और बहुत यंग एज में मैंने करियर पकड़ लिया था जो लीडरशिप रोल था. एंड आई वॉन्टेड टू गिव, बिकॉज जितना समय बाद में आती हूँ, मतलब घर में आती थी तो बहुत समय बच्चों के साथ देती थी, बट एक बच्चा नहीं था, मेरे 3 बच्चे हो गए थे उसके बाद. तो एंड आई हैड ट्विन्स आफ्टर माई एल्डर वन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन. बट आई रियली फील हैप्पी कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया है उसमें, और बड़ा रोल उनका भी रहा है और एक्सटेंडेड फैमिली का भी रहा है जो मेरे बच्चों की देखभाल कर लेते थे. बट येस, जैसे उन्होंने आपने बोला कि वॉट इज़ अ ट्रांजिशन बींग इन द एज अ यू नो डॉटर एंड देन एज अ मदर एंड दिस थिंग, देर इज़ अ बिग डिफरेंस. उसमें इतना फ्रीडम रहता है जब तुम तुम्हारी शादी नहीं होती है और तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, कर सकते हो, बट यू इट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक फैमिली आती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक माँ बनते हो तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको निभाना बहुत ज़रूरी होता है. बट आई फील वेरी गिल्टी कि एवरी सैटरडे मेरा वर्किंग रहता था और एवरी सैटरडे दे सेंड पिक्चर्स एंड सेइंग दैट सी वी आर एट आइसक्रीम कॉर्नर ईटिंग आइसक्रीम, एंड दे सेंड कि हम लोग ट्रैम में हैं, हम लोग कहीं वाटरवे में हैं, और मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाती थी. So I used to feel very guilty about it. But yes, that guilt I used to compensate on Sundays and I used to spend a lot of time with them. But I think as a mother, it's a crucial moment. Like at times when you're not with your children, you feel very guilty. And I think many of the people must have faced the same thing to professionals out there. But I enjoyed my motherhood as well.
और एंजॉय किया। तो आपने सैक्रिफाइसेस बताए मुझे, अगर कुछ आपको अंडू करना हो, अगर आपको मौका मिले कुछ अंडू करने का, आप क्या करना चाहोगे? जो अंडू करने का मौका मिले, बिकॉज एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, कभी आपने जो है बटरफ्लाइज उड़ते हुए देखा, आपके पास इतना वक्त था, आपने कभी क्लाउड्स देखा जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं क्लाउड्स, आपने कभी देखने का मौका मिला? आई यूज अ राइट पॉइंट बट आई नेवर हैड द टाइम टू स्टैंड एंड वॉच द नेचर। सो वो टाइम मुझे तभी मिलता था जब वेकेशन लेती थी बच्चों के साथ, और जब मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ जाती थी उस टाइम मुझे टाइम मिलता था। बट एवरी डे माई डॉटर यूज टू आस्क कि थोड़ा टाइम निकालो, हम स्विमिंग जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। बट मुझे लगता था कि यू नो मैं कुछ और, उस टाइम मैं बिजी होती थी। तो ये जो सैक्रिफाइस मैंने किया है, इफ़ आई हैव टू अंडू, आई लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद माई किड्स एंड बैक, एंड दैट ग्रोइंग अप आई वॉन्ट टू वॉच एवरी सिंगल स्टेप विच मेनी ऑफ द वुमेन हैव डन इट सिटिंग इन द हाउस विद देयर चिल्ड्रन। एंड दिस इज वेयर आई फील वेरी जेलस अबाउट होम मेकर्स कि उनको काफ़ी वक्त मिलता है अपने बच्चों के साथ, जो हम लोग जो हैं जगल करते हैं। वी वॉन्ट टू परफेक्ट इन एवरी प्लेस, एंड परफेक्ट रहते रहते कभी इम्परफेक्ट हो जाते हैं एज अ वाइफ एंड अ मदर, एंड आई फील लाइक आई वॉन्ट टू अंडू दैट। ओके, मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक क्वेश्चन मुझसे बोला कि आप पूछिएगा जब वो उषा जी आए कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो क्या आप यूजलेस हैं? एब्सोल्युटली नो। इफ यू गिवन अ चॉइस टू मी, प्रॉब्ली आई नेवर वॉन्टेड टू बी हाउस वाइफ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट गिवन अ चॉइस टू मी एंड यू रीवाइंड एंड से दैट वॉट इज द बेस्ट थिंग होममेकर डज एज कम्पेयर टू अस, आई थिंक आई सल्यूट माई मॉम, आई सल्यूट लॉट ऑफ होममेकर्स। बहुत सेक्रीफाइस वो करते हैं जो हम लोग एक्चुअली एस्केप कर जाते हैं, लाइक वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स भी बहुत कुछ, दे आर अनपेड फॉर इट। हम लोगों को तो पेमेंट मिलती है बाहर जाके काम करने के लिए, तो उन लोगों को तो पेमेंट कोई नहीं देता, पर जो काम वो करते हैं उस वो काम जो है इट्स 200% मोर देन वॉट प्रोफेशनल्स डू, एंड आई रियली सल्यूट ऑल द होममेकर्स। So it's they're not useless, they're very useful, and because of my mom mera ghar hamara ghar chalata family, because she sacrificed, she didn't want to take up a career. So why didn't you follow your mom's footsteps? I want, see the ambition, the bug, which ambition bug tha mind mein ki mujhe kuch different sa karna hai, mujhe unique sa establish karna hai, mujhe aisa karna hai, mujhe waisa karna hai. Jab mera bahut log meri zindagi mein the jinke jaise main banna chahti thi, to shayad uske piche main apna career ko dhoondte hue main ja rahi thi. But when I got married I realized ki mujhe jo hai balance karna bahut zaruri hai, घर भी बैलेंस करना है और बाहर भी बैलेंस करना है। व्हाट माय हस्बैंड यूज़ टू गिव मी क्रेडिट इज, तुमने कभी घर को ऐसा मतलब छोड़ के नहीं गई हूँ मैं, हमेशा वो बोलते थे कि अगर तुम मेरे बाद जाओगी और मेरे आने के पहले आ जाओगी, ऐसा जॉब होगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पहले बोलते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ऐसा हो नहीं सकता है, तो लीडरशिप रोल में यू कैन नेवर स्पेसिफाई टाइम, हो सकता है इनको बहुत लंबा उनको रुकना पड़े कहीं पर, बट दैट सपोर्ट सिस्टम विच माई हस्बैंड गेव, लाइक व्हेन आई हैड टू गो टू कनाडा एंड आई थिंक 8 प्रिंसिपल सेलेक्ट हुए थे पूरे इंडिया में, एंड मुझे लगा था कि मुझे जाना है, और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उनका तो प्लेट भी करना नहीं आता था मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड सबको गोवा लेके चले गए, कि डोंट वरी यू जस्ट गो टू कनाडा एंड कम बैक बिकॉज ऐसा अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं मिलेगा। तो ऐसे सपोर्ट करने वाले लोग भी होने चाहिए घर में, अदरवाइज यू कैन नॉट डू द जॉब। बट आई वॉज वेरी गिल्टी, लेट मी टेल यू, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू फील कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, बिकॉज ऑल द टाइम माइंड वॉज हियर, इट वॉज लाइक दिस। बट एज आई सेड टू यू राज, बिकॉज आई वॉज लाइक वेरी एम्बिशियस इन लाइफ, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई थिंक आई चोज दैट पार्ट, अदरवाइज आई थिंक टुडे इफ यू टेल मी सिट इन द हाउस एंड मैनेज योर होम आई डू इट, बट द चिल्ड्रन ऑल ग्रोन अप, उनको हमारी जरूरत ही नहीं है अभी, उस टाइम जो जरूरत थी आई थिंक आई शुड हैव डन दैट। सो डू यू फील दैट यू हैव पेड अ वेरी हेवी अमाउंट टू अचीव व्हाट यू गॉट? Yes, I paid that because I know that I should have spent time when my teenage children required me, because bahut kuch hoya hai at a point which I cannot talk here, because I feel like teenagers also require a lot of attention, mama ka bahut support chahiye hota hai, aur us time unko guidance ki zarurat hoti hai, and thoda wayward ho gaya tha mera beta at a point, elder one. So mujhe lagta hai ki hame us time thoda sa tham ke, thoda sa apne job ko thoda sa kam karke अपने बच्चों के साथ गाइडेंस देना उनको बहुत ज़रूरी है। तो जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो अपना जॉब छोड़ के बच्चों पर फोकस करती हैं, राइट, तो उनके लिए आप क्या सजेशन दे सकती हैं कि अगर आपको मैनेज करना है वर्क लाइफ बैलेंस को, आपको काम भी करना है और अपने फैमिली को भी देखना है, तो वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो? सी आई टेल यू, इट वॉज नॉट लाइक दैट बिफोर कि हम घर में बैठ के काम कर सकें, ऐसा पहले ऑप्शन नहीं था, तो बाहर जाके ही करना है। अभी तो हाइब्रिड मॉडल आ गया है, अभी तो कहीं से भी ऑप्शंस है, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस है,
कंपनीज में, घर में भी. अभी मैंने कभी नहीं सोचा था कि एजुकेशन एट अ पॉइंट विल बिकम हाइब्रिड, तो एजुकेशन में भी हाइब्रिड हो गया. तो आई थिंक दैट इफ एनीबडी वांट्स टू डू द वर्क होम बैलेंस, दे शुड टेक अ ऑप्शन लाइक वर्क ऑनलाइन. ऑनलाइन में आप वर्क कर सकते हैं और टेक अप अ जॉब लाइक विच इज़ लाइक काइंड ऑफ अ पार्ट टाइम विच कैन बी डन. बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में जो मैंने खोया है, मैं वो चीज़ वापस अपने टीचर्स को देती हूँ. वो ऑप्शंस, वो मेरे टीचर्स आके मुझे बताते हैं, कहते हैं कि हम सुबह मेरा बच्चा जाता है स्कूल और फिर मेरे हस्बैंड पायलट कहीं काम करते हैं, एंड देन उसके बाद उनको भी देखना है, ये भी देखना है, तो ऐसे हम लोग ये 8 to 3 नहीं कर सकते, 8 to 4. तो मैं उनको पार्ट टाइम ऑप्शन देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जो मैंने नहीं किया वो सब मैं उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ. सो आई थिंक दैट मेनी स्कूल शुड लुक एट दैट एंड मेनी कंपनी शुड लुक एट प्रोवाइडिंग दैट टू द लेडीज, यू नो, बिकॉज इफ दैट दे आर प्रोवाइडिंग एनी वेज, कंपनीज आर डूइंग इट फॉर वुमेन. बट हमारे एजुकेशन फील्ड में ऐसा नहीं हुआ है, बट ऐसा होना चाहिए ताकि वो लोग बैलेंस कर सकें. ओके मैम, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है कि जो औरतें अपना काम छोड़ के, जैसे आपने बताया आपने बहुत कुछ लूज़ किया जो आपने अचीव किया है, वहीं पे कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा, करियर छोड़ा बच्चों को अपब्रिंगिंग देने के लिए, लेकिन आज की डेट में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो जजमेंटल हो रहे हैं. वो जब भी किसी महिला को देखते हैं, किसी वीमेन को देखते हैं, भाई बोलते हैं आपको गैप है, आपका 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, तो उनके लिए करियर ऑप्शन क्या है? बहुत सारी, अब अपनी सोसाइटी की बात करूं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, फिर भी वो सफर कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं? दे नीड टू अपग्रेड. सी, हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, सपोज हमने एक ब्रेक लिया है और 1-2 साल का ब्रेक लिया, तो आई कीप टेलिंग टीचर्स, तुम अपने आप को अपग्रेड करो. लाइक मेनी ऑफ टीचर्स क्विट. हम ऐसा नहीं है कि सब टीचर्स कंटिन्यू करते रहते हैं मेरे स्कूल में. काफ़ी सारे लोगों का प्रेगनेंसी होता है, फिर डिलीवरी होता है, फिर इन लॉज के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो 2-3 साल का गैप हो जाता है, 4 साल का गैप हो जाता है. सो आई टेल देम, आई सेड अपग्रेड योर सेल्फ, अपग्रेड योर स्किल्स. सो काफ़ी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन में और काफ़ी सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो सब अपग्रेड करने से क्या हो सकता है, यू कैन ऑलवेज राइट इन अ रेज्यूमे दैट आई टुक अ ब्रेक और आई टुक अ सबैटिकल बिकॉज मुझे ये करना था. तो उससे क्या होगा कि दैट विल ऑल्सो एड वैल्यू टू योर दिस थिंग, बिकॉज सर्टिफिकेशन ऑल्सो एड्स वैल्यू, बिकॉज तुमने IB प्रोग्रामिंग कर लिया या तुमने IGCSE अपडेट कर लिया और इंटरनेशनल सिनेरियो में बहुत कुछ, ग्लोबल सिनेरियो में तुमने कुछ किया है, तो क्या होता है कि दैट एड्स वैल्यू टू इट. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टेनिंग टू योर एजुकेशन फील्ड. हाँ, या बट समबडी इज कमिंग फ्रॉम द IT वर्ल्ड और द नो बिग कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वहाँ पे जो जजमेंट करते हैं कि आपको, बिकॉज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें कि एवरी डे यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ. आई थिंक दैट यू आर द बेटर पर्सन कॉर्पोरेट वाइज, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे आस्क क्वेश्चंस, बट आई फील देयर आल्सो मस्ट बी सम स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसमें भी अपग्रेड करने का चांस मिल सकता है उनको. बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि क्या उनको अपग्रेड कर सकते हैं, बिकॉज किस फील्ड में आप बात कर रहे हो, सपोज इट्स एन IT फील्ड और इट इज सम अदर फील्ड ऑफ द कॉर्पोरेट थिंग, दे माइट बी सर्टन कोर्सेज ऑनलाइन एंड दे माइट बी जॉब्स भी हो सकता है, कर सकते हैं वो लोग ऑनलाइन. अभी तो बहुत ऑप्शंस हैं, कोई नहीं कहेगा कि तुमको ईयर गैप लिया है तुमने या 2 साल का गैप लिया, बिकॉज अभी पैंडेमिक के टाइम में आई थिंक दैट ऑल ऑफ देम हैव फाउंड आउट लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो 4-4, 5-5 काम कर रहे हैं एक साथ लोग, तो जब बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनको अवेलेबल, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी आर नॉट गेटिंग टीचर्स नाउ. और टीचर्स आर फीलिंग कि अभी तो बहुत अच्छा है कि हम घर में बैठ के बच्चे भी संभाल सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं और ऑनलाइन में भी पढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसा भी सोचते हैं. तो क्या होता है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो 9 to 5 धक्के खा के ऐसे ट्रैफिक में आकर, उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दे आर फीलिंग दैट वे. वी गोना टॉक अबाउट दैट हाइब्रिड मॉडल लेटर, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट व्हिच आई हैव नोटिस, यू वांट टू बी कॉल्ड इकोप्रेन्योर और एडोप्रेन्योर रादर देन यू नो एंटरप्रेन्योर, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लाइक व्हाई यू वांट टू बी इकोप्रेन्योर? I like to call myself an edupreneur rather than ecopreneur. Ecopreneur, edupreneur के साथ ही आ जाता है, because अगर मुझे environment में change लाना है और मुझे कुछ different सा करना है, because there are a lot of career options. लोगों के mindset बहुत different है. जब parents आते हैं admissions के लिए, कहते हैं मुझे मेरे बच्चे को मुझे ये बनाना है, तो I think they do not know that आज के ज़माने में हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, 10 साल down the line कि कैसे कैसे जॉब्स तुमको मिलेगा ये तो किसी ने सोचा नहीं है. बट एक्चुअली इफ़ यू स्पीकिंग 10 ईयर्स डाउन द लाइन, करियर ऑप्शंस बहुत डिफरेंट रहेगा. करियर ऑप्शंस आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड करियर ऑप्शंस होगा, और इट विल बी रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, कोडिंग, एंड इट विल बी ऑन कंप्यूटर लर्निंग, एंड
the artificial intelligence and stuff like this. So I think that parents have to know that the career options are will be plethora. हमको सिर्फ जो है इंजीनियर डॉक्टर के बारे में नहीं सोचना है. तो कीपिंग दैट इन माइंड आई थिंक दैट हमको जो है द होल करिकुलम द वे इट्स डिजाइन इट हैज़ बी समथिंग डिफरेंट. सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके मिशन और विजन क्या है, क्या आप एग्जैक्टली अचीव करना चाह रहे हो? सो एज एन एंटरप्रेन्योर आई फील लाइक टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी. हमको जो है हमको जो अगर देख रहे हैं कि सब कुछ रोट मेमोराइजेशन में हो रहा है, सब कुछ बुकिश नॉलेज से हम पढ़ा रहे हैं, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड बुक्स. सो वही हमने सोच के जो है ये इको प्रेन्यो जो आप बोल रहे हो एंड इको फ्रेंडली हमने जो स्कूल बनाया है अभी, यही सोच के बनाया है कि क्या बच्चे जो हैं ज़्यादा पेड़ उगा सकें, क्या मोर ऑक्सीजन जनरेट कर सकें, क्या कैन वी थिंक अबाउट अ पैरेलल फ्यूल, क्या बच्चों को हम बता सकें कि सोलार फ्यूल भी एक पैरेलल फ्यूल है जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस कर सकता है. ज़ीरो एनर्जी स्कूल बनाया हमने, ज़ीरो वेस्ट स्कूल बनाया, ज़ीरो कार्बन स्कूल बनाया, ताकि हम बता सकें उनको कि एनवायरमेंट को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकें तो एनवायरमेंट रिटेलिएट करेगा, जैसे अभी पैंडेमिक हुआ है. तो ये सब चीज़ें जो हैं एज अ एकोप्रेन्योर वी कैन डू इट, बट एज अ आई कैन से तीन शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है मैं सबको क्लब करूंगी, बिकॉज अनलेस एंटिल यू आर अ एंटरप्रेन्योर यू कांट ब्रिंग अबाउट अ चेंज. बिकॉज हम इको एडुप्रेन्योर से हम किसी के साथ काम करते हुए भी एडुप्रेन्योर हो सकते हैं, बट जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो वो हम चेंज नहीं ला सकते हैं. जब तक आप अपनी अपना काम अपने आप अपना बिजनेस करोगे तब तक वो जो चेंज आप लाना चाहोगे वो नहीं कर सकते, इसलिए एंटरप्रेन्योर होना भी बहुत जरूरी है. तो जैसे मैं आपकी जो कॉन्सेप्ट देखा है, मैंने कल जो आपके स्कूल गया था मैं, वहाँ पे जो मैंने देखा ग्रीन, सब तरफ ग्रीन है, तो मैं फोकस कर रहा था ये कहीं ना कहीं एकोप्रेन्योर तो नहीं है, ज़्यादा फोकस आप ग्रीन पे कर रहे हो, तभी आपने नाम भी रखा है द ग्रीन स्कूल ऑफ बैंगलोर. तो ये जो आपने कब सोचा कि मुझे ये स्कूल को एस्टैब्लिश करना है? ये मेरा एक ग्रीन स्कूल था, मैंने 10 साल पहले सोचा था जब मैं जॉब में थी और मैं एक आदमी से मिली थी जो CEO थे ICSE में, और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी भी मिला एज ICSE इंस्पेक्टर एंड आई वाज एफिलिएटिंग स्कूल एंड बहुत छोटे से एक विलेज रामनाथ नगर जहाँ पर हमारे हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे हमारे अब्दुल कलाम जी, उनका ही विलेज था जहाँ मैं उनको एफिलिएट करने गई थी उस स्कूल को. तो मुझे लगा था कि चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ ये है एंड इमीडिएटली एंड ऑल्सो आई हैव गॉन अब्रॉड एंड वहाँ पर भी देखा, बाली इंडोनेशिया में देखा, इतने सुंदर ग्रीन स्कूल्स हैं और जहाँ पर बच्चों को खुद की सस्टेनेबिलिटी सिखाई जा रही है, बच्चे फार्म बना रहे हैं वहाँ पर, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, और ये चीज़ जो है जापान में और कंट्रीज़ में है और हमारे इंडिया में तो भरपूर है. हमारे इंडिया में तो हम लोग किसान ही थे इतने साल पहले, तो वाई कांट वी ब्रिंग बैक आवर ओन कल्चर बैक. सो ये सोच के ही मैंने सोचा कि बच्चों को सिखाया जाए कि खुद अपने वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करना है और वो वेजिटेबल लेकर जो है किचन में जाएं, और तब क्या होता है कि द आइडिया इज़ व्हाट आई ग्रो इज़ व्हाट आई ईट. सो दैट इज़ द होल फिलॉसफी, उसके कारण ही हमने जो है ये स्कूल बनाने की सोचा. और जब स्कूल बनाने की सोचा तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी तो हो नहीं सकता, तो वी हैव टू हैव अ पैरेलल फ्यूल. द एंटायर जो कैंपस है वो सोलार कैंपस है. तो इट्स नॉट ओनली ग्रीन, सिर्फ हमने जो है पेड़ लगाया है इसलिए ग्रीन है, बिकॉज फ्यूल्स के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एयर एनर्जी, विंड एनर्जी, वी टॉक अबाउट सोलर एनर्जी, हमने सारे के सारे जो एनर्जीज के बारे में बात करते हैं स्कूल में, प्लस हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्ट है. और हम ऑल्सो सिखाते हैं बच्चों को कि अभी पैंडेमिक हुआ है, कल जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा तो क्या करोगे, यू नीड टू हैव अ बी प्लान फॉर दैट. सो बच्चों को जो है हम रियल सिचुएशन में डालते हैं, तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मॉइस्चर से कन्वर्ट करके बच्चों को प्योर वाटर दें. दैट वॉज ओनली रीजन टू स्टार्ट योर ओन स्कूल, और कि कहीं कहीं आपको ऐसा लगा था कहीं एजुकेशन सिस्टम में कहीं कोई डॉट्स मिसिंग है, उसको आपने सोचा हो कि मैं अपने जब स्कूल स्टार्ट करूँगी तो डॉट्स को मैप करूँगी? यस, वो भी एक पॉइंट था, बिकॉज मैं जब किसी के साथ काम कर रही थी तो मुझे बहुत कुछ क्रिएटिविटी करने को नहीं मिला. तो क्रिएटिविटी अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें अपना स्कूल तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा. तो यू नीड टू ब्रिंग इन योर चेंज, योर माइंड, योर विजन. सो वो नहीं हो सकता है अगर तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो. तो मैं सब लोगों को बताना चाहूँगी जो अपना कुछ करना चाहेंगे तो तुम्हें अपना ही करना पड़ेगा. और लोग हमेशा अपना करने के इसलिए डरते हैं क्योंकि पैसे के बारे में सोचते हैं. तो पैसा अपने आप आ जाता है, और जब अब तुम कुछ करना चाहो, जैसे मैं राज के साथ उस दिन बात कर रही थी, द यूनिवर्स पुट्स एवरीथिंग टुगेदर. आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, कि जो है सारी कायनात आपको हेल्प कर देती है. तो इसीलिए जो है जो करना चाहोगे उसको अगर हम एकाग्र माइंड से और जो विजन जो है लाना चाहेंगे, जो चेंज लाना चाहेंगे, अगर हम उसको जो है फोकस करके करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक द चेंज.
एंड दैट्स वेयर द ग्रीन स्कूल केम अप विद आइडिया. एंड बहुत कुछ हम इसमें और भी लाएंगे जो हम करना चाहेंगे सस्टेनेबिलिटी के तौर पर. अगर मैं कॉम्पिटिटिव एनालिटिक्स की बात करूँ, जो बाकी स्कूल करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए या फाइट के लिए, एक वॉर है बच्चों के लिए बाहर, तो उस स्टैंड पॉइंट में द ग्रीन स्कूल कैसे डिफरेंट है? सी, वी ऑल्सो आर गोइंग टू मेक देम रेडी फॉर इट, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को रेडी नहीं किया जा सकता है, बट डोंट ब्रिंग द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन देम इन अ डिफरेंट वे. लाइक उनको स्ट्रेस के तौर पे लोग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाते हैं बाकी स्कूल्स में, मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, फर्स्ट आना है, 93% लाना है. हमारे बच्चे भी लाएंगे पर विदाउट स्ट्रेस, अगर हम स्टूडेंट सेंटर्ड रखेंगे और बच्चों को जो है मोटिवेट करेंगे और बच्चों को जो है एक कॉम्पिटिशन सी, हर एक बच्चे को हर एक कॉम्पिटिशन में नहीं जा सकता है बिकॉज एवरी चाइल्ड्स एबिलिटी इज़ डिफरेंट. अगर सारे बच्चे क्विज कॉम्पिटिशन में जाना चाहें तो बहुत मुश्किल है, सारे बच्चे डांस कॉम्पिटिशन में जाएँ तो मुश्किल है. तो उनको पहले आइडेंटिफाई करो कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, वो सारे स्कूल्स नहीं करते हैं. क्या करते हैं, वो 6-7 बच्चे को चुने जाते हैं, वही 6-7 बच्चे ड्रामा में जाएंगे, वही 6-7 बच्चे डांस में जाएंगे, वही 6-7 बच्चे म्यूजिक में जाएंगे. सो बाकी बच्चों का क्या टैलेंट नहीं है, बाकी बच्चों के अंदर क्या हुनर नहीं है, यू टू रिकग्नाइज दैट. एंड वो हमारा स्कूल डिफरेंट है बिकॉज हम सारे बच्चों को एक इट्स प्रोग्रेसिव स्कूल बिकॉज हम सारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं और सब बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं और उनको डिफरेंटली हम लोग उनको ट्रेन करते हैं. तो हो सकता है कि एक स्पोर्ट्स में जाएगा तो वो 7-8 बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं उन वो उस स्पोर्ट्स के उसके कंपटीशन में जाएगा, और जो 7-8 बच्चे जो डिबेट में अच्छे हैं वो डिबेट में जाएगा. सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव एक्चुअली कवर्ड द एंटायर गैमेट ऑफ चिल्ड्रन. अगर 120 हैं, 180 बच्चे हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, चाहे वो ड्रामा हो, डांस हो. बट यू कैन नॉट जस्ट प्रिपेयर द चिल्ड्रन की एक एनुअल ड्रामा है और एक एनुअल डांस है उसमें लिए तुम प्रिपेयर करो और बच्चों को जो है लास्ट मिनट में सिखाओ, वो गलत कर रहे थे. उसी लिए हम लोग बहुत डिफरेंट है बिकॉज थिएटर इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन इन आवर स्कूल. हमारा एवरीडे थिएटर चलता है, हमारा एवरीडे डांस एंड म्यूजिक चलता है, और डांस इज इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम, और म्यूजिक को भी हम इंटीग्रेट करते हैं करिकुलम में. तो म्यूजिक डांस को हम सेपरेटली नहीं पढ़ाते हैं. तो इसीलिए जो है हमारे बच्चे सभी चीज़ों में हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दे आर वेरी गुड एट इट. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है जो सब स्कूल्स यूज करते हैं, बट कितने तक वो होलिस्टिकली हम ट्रेन करते हैं दैट इज वेर वी आर डिफरेंट. अब पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है कि हम उनका एक ILP डेवलप करते हैं. ILP मीन्स इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्रेस. अब इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्रेस में काफ़ी मेहनत लगती है बिकॉज आप एक एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनाते हो. जब पोर्टफोलियो बनाते हो एक एक बच्चे का, जो पेरेंट्स को हम हैंड ओवर करते हैं PTM करके बोलते हैं ना बाकी स्कूल्स में, वो PTM इज़ अ वेरी जार्गोनिक वर्ड फॉर मी बिकॉज PTM इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, बट जब पेरेंट्स आते हैं ना, आपके बच्चा बहुत अच्छा किया, तो हम लोग ऐसा इतना सिंपली नहीं करते हैं. हम लोग काफ़ी एलैबरेटली एक PTM कॉन्फ्रेंस करते हैं. इट्स कॉल्ड एज अ पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस. सो बच्चा ही उसको लीड करता है पोर्टफोलियो को और कहता है कि मैं यहाँ था और यहाँ पर पहुँचा हूँ. वो लर्निंग जर्नी को जो एक्सप्लेन करते हैं, इट्स कॉल्ड एज ILP. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा यहाँ है और बच्चा वहाँ पहुँचा और वो कैसे पहुँचा, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इस बीच में बच्चे का हुनर, बच्चे का टैलेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं. मैम, जितने आप बाकी स्कूल की बात करूँ तो उनका काफ़ी इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर्ड है, राइट? कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा. व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रीन स्कूल, व्हाट पैटर्न डू यू फॉलो? वी एक्चुअली डू अ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम इवन इन द करिकुलम. सो पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम क्यों हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज 20 बच्चे हैं क्लास में, 20 बच्चे जो हैं दे हैव डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन. उनका एबिलिटी डिफरेंट होता है, उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उनका लर्निंग पैटर्न डिफरेंट होता है. उसको अगर तुम आइडेंटिफाई कर लो तो क्या होता है, तुमने जो है वही विन कर लिया. तो हमारा कंसेप्ट ही यही है कि कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, देयर इज़ नो चाइल्ड लेफ्ट बैक, वो कंसेप्ट है हमारा. तो उस कंसेप्ट में क्या होगा, हमारा ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है. इट्स लाइक अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, ताकि जो है हर एक बच्चे को ग्रुप में आइडेंटिफाई कर सके, उनका लीडरशिप स्किल्स बाहर निकाल सके. बट जैसे 20 बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ है, तो 20 डिफरेंट पैटर्न में तो टीचर पढ़ा नहीं सकती हैं. तो मेजरली वी डिवाइड देम इनटू 4 ग्रुप्स. तो 4 ग्रुप्स में क्या होता है कि ऑडियो विजुअल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, काइनेस्थेटिक हो गया. हम ऐसे आइडेंटिफाई करके 4 ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करके कंसेप्ट को पढ़ाते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल वी टीचिंग अ एप्पल. सो एप्पल को जो है एक बच्चे को एप्पल सिखा सकते हैं बिकॉज फोनेटिकली हाउ इट साउंड्स, सो चाइल्ड विल लर्न इट बिकॉज ही इज़ वेरी लिंग्विस्टिक चाइल्ड. बट हो सकता है कि बच्चे को समझ में ना आए एप्पल, बिकॉज बच्चे को एप्पल को देखना है. तो बच्चे को प्रोजेक्टर में एप्पल को दिखाओ,
उनको सिखाओ कि ये एप्पल है और एप्पल को जो है सिर्फ लाल नहीं है। मैंने और आपने क्या सीखा है कि एप्पल लाल है, और हम कोई भी बच्चे को उस ज़माने में एक क्रेयॉन देंगे तो बच्चा लाल ही कलर करेगा। बट मेरे बच्चे एप्पल को ग्रीन भी कलर करते हैं, येलो भी कलर करते हैं, बिकॉज वी टेक देम ऑन अ फील्ड ट्रिप एंड शो देम एप्पल्स। सो बच्चा जब वापस आता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर करता है। सो द कंसेप्ट हाउ यू टीचर्स टच फील लुक एंड देन आइडेंटिफाई, सो सारा कुछ डिफरेंट कंसेप्ट में अगर तुम बच्चे को सिखाओगे तो बच्चा उस कंसेप्ट को अच्छी तरह सीखेगा। सो चार डिफरेंट वे में हम जो है कोई भी कंसेप्ट को सिखाते हैं। मैम आपने बात किया सस्टेनेबिलिटी की, राइट? तो व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम यू आर क्रिएटिंग फॉर किड्स टू सस्टेन इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सस्टेनेबल, बिकॉज मैं बताती हूँ हर एक बच्चा जो है एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता। जब पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पास पहले भी आते थे, 20 साल पहले भी पेरेंट्स, जब मैं स्कूल इंटरनेशनल स्कूल चलाती थी एज अ प्रिंसिपल, बच्चे पेरेंट्स रोते हुए आते थे कि मेरे बच्चा का परसेंटेज बहुत कम है और 10th साल में पढ़ता नहीं है, वो फेल हो गया 9th में तो मेरे बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो वी हैड अ स्ट्रैटेजी ऑफ अप्लाइंग एंड हमारे टीचर्स बैठ के उनको सिखाते थे और हम उनको बड़े प्यार से हम पढ़ाते थे, और जो बच्चे जीरो भी आए हैं उनके बच्चे मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि बच्चे के 100% भी आए हैं मेरे स्कूल में। बट नाउ वो परसेंटेज ही सिर्फ एक बेंचमार्क नहीं है, तो वी हैव टू ऑल्सो इकोसिस्टम कैसे हम डेवलप करते हैं, बिकॉज हमने एक डेवलप किया है हमारे ग्रीन स्कूल में एक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकॉज एक वोकेशनल ट्रेनिंग को ग्रेडिंग बना दिया CBSE ICSE ने, बट हमने वोकेशनल ट्रेनिंग को ग्रेडिंग नहीं बनाया। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो कैन ही फॉल बैक ऑन अ बी प्लान, कि मतलब वो कारपेंट्री ले सकता है या वो जो है पॉटरी ले सकता है या स्कल्पचर ले सकता है, बिकॉज उसमें भी एक करियर है। स्कल्पचर को भी, स्कल्पटिंग या फैशन डिजाइनिंग, इन सब चीज़ों में भी आई थिंक द इंजीनियर्स आर गेटिंग पेड लेसर देन अ फैशन डिजाइनर। बट हाउ डू यू कन्विंस मैम, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट मी एज अ पेरेंट, आई विल बी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक दैट चैलेंज दैट माय किड विल बिकम अ कारपेंटर। माय आई ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स लाइक इफ योर चाइल्ड हैज टू बिकम समथिंग good, always think that can he become a best tailor, a best carpenter or a best person. So it is, doesn't require for, see we need to have an orientation for today's parents. But main kyun khush hoon aaj ke parents se, because today's parents understand the scenario. उनको मालूम है कि मैं उनको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मेरे बच्चे जो अच्छे नहीं किए एकेडमिक्स में वो आज एक बहुत मशहूर फैशन डिज़ाइनर है और मशहूर जो है ज्वेलरी डिज़ाइनर है, गंजम में काम करती है मेरी स्टूडेंट एंड शी इज गेटिंग अबाउट पे 2 lakhs एंड शी इज़ ऑन द फेसबुक विद मी एंड आई हैव अ चाइल्ड हु इज़ एन एक्सलेंट थिएटर आर्टिस्ट इन लंदन। उसको जो है पे पैकेट्स जो यहाँ मिलता है उस पे पैकेट से बहुत ज़्यादा मिलता है। जब उनको मैं एग्जाम्पल से दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ये बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और क्रिकेट फील्ड में भी बहुत अच्छा बच्चा कर रहा है या बैडमिंटन फील्ड में अच्छा कर रहा है, बट ऑल द पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को डालने के लिए, उनको समझ में आता है कि ये स्कूल जो है प्रोग्रेसिव स्कूल है, ये बच्चों को जो है कुछ और बनाएगा, नॉट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बट उनको बहुत कुछ करियर का ऑप्शंस देगा और वो उन बच्चों को जरूर सक्सेसफुल बनाएगा अपने लाइफ में। सो दैट इज़ द माइंडसेट पेरेंट्स आते हैं हमारे पास। मैम एक क्वेश्चन ये भी है, सिंस यू टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, आप रिलीजियस और मोरल वैल्यू को आप कैसे डेवलप करते हो बच्चों के अंदर? जो मोरल है, आप जैसे, आप छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम लोग जो पैर छूते थे, मतलब बड़ों के पैर छूना है तो नीचे झुक के पैर छू के उनको आशीर्वाद लेना है, एक्चुअली वी यूज्ड टू मीन दैट, यू कैन बी गोना टच द फीट ऑफ दैट पर्सन, बट वो खत्म हो गया आज की डेट में। मैं नहीं बिलीव करती खत्म होगी, मेरे बच्चे करते हैं वो स्कूल में, वो मोरल नमस्ते करते हैं एंड दे ऑल्सो हैव द वैल्यू सिस्टम, बट यू विल नॉट बिलीव इट कि मैंने मॉरल एजुकेशन एंड मॉरल जो साइंस की किताबें हैं वो मैंने बैन कर दी अपने स्कूल। मुझे आई डोंट बिलीव कि ऑनेस्टी एंड एटिकेट्स एंड ऑल दिस थिंग बुक्स और किताबों से पढ़ाई जाती है, किताबों से नहीं पढ़ाई जाती है। हम लोग जो है बहुत डिफरेंटली हैंडल करते हैं। जब मैं इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल थी तभी भी मैं ऐसे ही करती थी, अभी भी ऐसे करती हूँ कि असेंबली में हम लोग जो है छोटे छोटे प्लेस करते हैं और उस प्ले से हम बच्चों को सिखाते हैं। इट इज़ लाइक अ स्ट्रीट प्ले कहते हैं उसको, स्ट्रीट प्ले से हम यक्षगान भी आजकल लोग करते हैं, बट वो स्ट्रीट प्ले से हम उनको सिखाते हैं कि ड्रिंकिंग इज़ बैड और वाइसेज आर बैड और ऑनेस्टी कैसे करते हैं। बट अभी हम लोग ने एक स्टेप और ज़्यादा किया है ग्रीन स्कूल में, वी डू समथिंग कॉल ऑनेस्टी वर्कशॉप्स, बिकॉज एक क्लासरूम है उसमें जो है हमने शॉप शॉप कर दिया, बच्चों को जो है शॉपिंग करना है बट वहाँ पर दुकानदार नहीं है,
आपके पास आर्टिफिशियल पैसे हैं, आपको जाके शॉपिंग करना है, बट वहाँ पर दुकानदार नहीं है, आप कुछ आपको जो है चीज़ें खरीद के आपको जो है वहाँ पर बॉक्स में अपने आप डालना है, आपको कहाँ नोटिस कोई करने वाला नहीं है। उसके बाद हम बताते हैं बच्चों को कि आपने जो एक किया है वो गलत है, कि आपने सब चीज़ें उठाई हैं पर आपने पैसे नहीं डाले होंगे। मैम आप रिलीजियस की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं, अभी बहुत ही एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मैंने सिचुएशन देखा जो उडुपी में हुआ, और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो दे आर ऑन द रोड एंड जस्ट फाइटिंग फॉर देयर नो कास्टलिज्म जो हो रहा है हिंदू और मुस्लिम का जो था, उस चीज़ में आपका क्या व्यू है, और अगर आपके पास एक पावर मिले तो आप क्या चीज़ है जो उसको आप स्टॉप कर दें वहीं पर? आई थिंक इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ टॉलरेंट कंट्री, हम लोग हमेशा ही टॉलरेंट रहे हैं, और आई थिंक वी शुड लिव एंड लेट लिव, यही मैं सोचती हूँ। बिकॉज मैं सोचती हूँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, ऑलराइट, इंसान हैं हम, कास्ट जातिवाद ये सब लोग हैं हमने क्रिएट किया है, ये हम लोग इससे पैदा नहीं हुए हैं ऐसा। तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, और अब हर एक रिलीजन का एक प्लस होता है एक माइनस होता है, अगर उसको साथ लेके चलेंगे, बिकॉज मेरे स्कूल में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारे के सारे रिलीजियस पीपल हैं, बट हमने, मुझे आज तक नहीं मालूम है कौन क्रिश्चियन कौन मुस्लिम है, बिकॉज हम उन सबको एक साथ ही, हम सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा लाना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में, कंट्री में भी सेकुलरिज्म होना बहुत ज़रूरी है। हमको ये छोटी छोटी चीज़ों में जो हम डिवाइड कर देते हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, और इन्होंने हिजाब पहन रखा है, इन्होंने ये किया है, दिस इज़ ऑल वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। लाइक इफ़ यू डू दैट यू आर एक्चुअली स्टेपिंग योर बाउंड्रीज, अपने लिमिट्स को क्रॉस करके हम उनकी दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू, रिलीजन इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू एंड इट्स अ वेरी पर्सनल इश्यू। आप मानेंगे भगवान को नहीं मानेंगे या आपका पर्सनल थिंग है, मैं भगवान को मानूँ या नहीं मानूँ ये मेरा पर्सनल थिंग है, और पर्सनल थिंग को हम जो है प्रोफेशनल एरियाज में और इंस्टीट्यूशन में नहीं ला सकते हैं। हम बच्चों को जो है रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं, और जितना बच्चे देखते हैं पॉलिटिक्स और जितना ज़्यादा ये देख रहे हैं ड्रामा देख रहे हैं, बच्चे उस चीज़ों में ग्रो हो रहे हैं। फिर ये जो हिजाब है या बुरका है जो भी है, बच्चों को क्यों पहना के स्कूल भेजना है? अगर ऐसा है तो फिर जैसा बाकी लोग खड़े हो गए कि वो गेरुआ वस्त्र पहन के आएंगे, एक डिसिप्लिन हम लोग फॉलो करते हैं किसी स्कूल में, यूनिफॉर्म इसीलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की जाए बच्चों के बीच में, तो उसको कैसे आप एड्रेस करोगे? व्हाट हैपेंस इज इन मुस्लिम कल्चर, वो हिजाब उनके लिए एक टाइप का प्रोटेक्शन है, उनकी गर्ल्स को शायद बाल नहीं दिखाना है तो इसलिए वो पहनते हैं। बट नीचे मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में सिर्फ एक स्कार्फ पहनते हैं लड़कियां, और नीचे पूरा यूनिफॉर्म तो वो लोग वही पहनते हैं जो बाकी बच्चे पहनते हैं, बट आई थिंक वी नीड टू रेस्पेक्ट दैट। मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बिकॉज अगर वो कह दें कि हिजाब निकाल दो, इतने सालों से क्यों टॉलरेट किया था और सडनली उनको क्यों लगा कि हिजाब नहीं पहनना है? तो आई थिंक दैट इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एंड एवरी स्कूल हैज़ गॉट इट्स ओन व्यूज़। और मेरे स्कूल में क्या करते हैं, मेरे पर स्कूल में बारे मुस्लिम टीचर्स पढ़ाते हैं बट कोई हिजाब नहीं पहनता, सब लोग क्या करते हैं जैसे निकलते हैं स्कूल के बाहर हिजाब पहन के जाते हैं वापस, पर स्कूल के अंदर वो अपने आप निकालते हैं, हमने किसी को नहीं बोला कि निकालो, बट वो समझते हैं खुद के हमें यूनिफॉर्म रहना है और वो खुद नहीं पहनते, तो हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। राइट, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द रूट्स ऑफ द फैमिलीज, लास्ट वीक मैंने एक इंटरव्यू किया गुरु प्रसाद जी का, उन्होंने अपना एक कंसर्न शो किया मेरे को कि हमारी जो मातृभाषा है, मदर लैंग्वेजेस हैं, वो डिप्लीट हो रही हैं डे बाय डे, और मैंने भी नोटिस किया है कि सारे बच्चे आजकल इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो आप वो कैसे इंश्योर करोगे कि अपनी जो मदर टंग है, चाहे तमिल हो, तेलुगू हो, तुलू हो, उसको आप इनकॉर्पोरेट करो अपने कैरिकुलम्स में? यस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत खुश हूँ, बिकॉज एनईपी टॉक्स अबाउट कर्णा एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कर्णा मीन्स सेकेंड लैंग्वेज, वॉट एवर देयर मदर टंग इज, लाइक महाराष्ट्र है तो मराठी इंपॉर्टेंट है, और कर्नाटका है तो कर्णा इंपॉर्टेंट है, सो इट टॉक्स अबाउट दैट एंड कहते हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चों को सबको बात करना आना चाहिए, सो बीइंग इन कर्नाटका यू शुड नो कर्णा, सिंपली दैट वे आई टेल माय इवन माय पेरेंट्स कि घर में अपनी मातृभाषा बोलो, अगर तुम्हारा मातृभाषा तुम्हारा पंजाबी है, गढ़वाली है, तुम वो भाषा बात करो, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जो घर से आता है ना, वो इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ओरिएंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम बोल सकते हैं बट बच्चे जो है इंग्लिश इसलिए बोलते हैं बिकॉज पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं घर पे, तो वो अपना मदर टंग में नहीं बात करते हैं, तो इसीलिए मैं उनको बोलती हूँ मदर टंग में बात करो, बच्चों को आना चाहिए, बट दे फील कि हिंदी भी है कर्णा भी है और इंग्लिश भी बात कर रहे हैं बच्चे, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और चार चार भाषा, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली पेरेंट्स हु आर लुकिंग एट अस कि बच्चे बड़े मल्टीलिंगुअल होते हैं
और बच्चों को आइडेंटिफाई करना अच्छा सा आता है। अगर मेड को देखेंगे तो कन्नड़ में बात करेंगे, आपको देखेंगे तो मदर टंग में बात कर सकते हैं, और अगर स्कूल में जाएंगे तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। दे आर सो सो फैंटास्टिक चिल्ड्रन बिकॉज दे आर लाइक स्पॉन्जेस। वो 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स बिल्कुल फॉर्म हो रहे हैं उस टाइम जो है। अगर आप उनको जितनी चीज़ें सिखा सकते हो, दे से दैट चिल्ड्रन कैन लर्न 96 कंसेप्ट्स, इट दे से लाइक दैट। सो इस वाले इस ट्रेंड को अगर तुम लेके चलो और इस फैक्ट को लेके चलो तो आप उनको मदर टंग भी सिखा सकते हो। बट मदर टंग सिखाने की जरूरत ही नहीं, अगर आप मदर टंग में बात करोगे बच्चा ऑटोमेटिकली मदर टंग बात करेगा। लेकिन आपने जैसे ये बात बोला कि अगर आप बैंगलोर में हो, कर्नाटका में हो, तो कन्नड़ सीखो, लेकिन अगर मेरी मदर टंग तुलु है या फिर मैं तमिल बोलता हूँ तो वो कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? नहीं, सी दैट इज व्हाई आई लाइक आईसीएसई सिस्टम वेरी वेल, बिकॉज सीबीएसई में क्या है, ऑप्शंस आपको सिर्फ सेकंड लैंग्वेज में हिंदी मिलेगा, फ्रेंच मिलेगा बिकॉज एक्सपैट्स आते हैं पढ़ने के लिए, और आपको एक और लैंग्वेज मिल सकता है स्पैनिश और मे बी सम अदर लैंग्वेज, यू कैन गेट हिंदी और समथिंग। बट इन आईसीएसई इट्स रिटन देयर, अगर आप करिकुलम देखोगे यू कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस 20 to 30 सेकेंड लैंग्वेजेस, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, यू कैन टीच एनी थिंग टू चिल्ड्रन सेकेंड लैंग्वेज। बट हाउ मेनी स्कूल्स आर डूइंग इट? आई एम वेरी हैप्पी दैट सम स्कूल्स आर इवन टीचिंग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, दे गिविंग ऑप्शंस लाइक दिस इन सेकेंड लैंग्वेज, बट उतने टीचर्स आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू आस्क द सेम थिंग, कि आप इसीलिए नहीं सिखा रहे हैं। राइट, सो डू यू बिलीव दिस फैक्ट दैट यू नो वी गोना लूज आवर मदर टंग्स इन अपकमिंग 20 इयर्स? यस वी विल, बिकॉज मैंने देखा है कि इंटरनेशनल सिनेरियो आ चुका है जहाँ पर फ्रेंच लेने को तैयार है पेरेंट्स, या स्पैनिश लेने को तैयार है, मेरे बच्चे को स्पैनिश पढ़ाई करनी है, पर क्यों नहीं सोचते हो कि बच्चे को हिंदी जानना ज़रूरी है, क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा मदर टंग जाना ज़रूरी है? सो ये पेरेंट्स नहीं सोच रहे हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है मैम कि अगर मैं अपने एल्डर्स को देखता हूँ, बड़े बुजुर्ग को देखता हूँ, वो आज जो इंजॉयमेंट होता है कि भाई अपने बच्चों के साथ जो अपना टाइम स्पेंड करें, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, वो आजकल क्या कर रहे हैं ना, एक ट्रांसलेटर बैठाना पड़ता है उनको, वो कुछ बोलेंगे फिर वो जवाब देंगे, फिर ट्रांसलेट करके उनके पास आएगा, तो इसे ह्यूज गैप, और वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जितनी भी कंट्रीज़ की बात करो, आप जापान की बात करो, आप कोरिया की बात करो, आप चाइना की बात करो, सब अपने अपने मदर टंग में ही बात कर रहे हैं। आज भी चाइना में नो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप मैंड्रीन और कैंटनीज पर बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आप इंडिया में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अगर मैंने हिंदी में कुछ बोल दिया वो ऐसे देख रहे हैं, सॉरी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई फील वेरी सॉरी फॉर इट। सो मैम, वी गोना टॉक अबाउट द स्टूडेंट लाइफस्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस यू नोटिस इन डिफरेंट स्टूडेंट्स नाउडेज? सी द मेंटल स्ट्रेस हैज बीन फॉर द किड्स इन द पास्ट आल्सो, मैंने देखा है कि बच्चे बड़े तनाव में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों से, एंड दे नॉट एबल टू मैनेज इट बिकॉज इमोशनल कोशेंट इज लैकिंग इन द किड्स। बट ये पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है, एंड दे थिंक दैट ओ माई गॉड आई हैव टेकन टू काउंसलर, उनको वो भी बुरा लगता है कि उनको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। बट आई थिंक द चिल्ड्रन नीड्स अ थर्ड पार्टी काउंसलिंग, व्हाई आई टेल यू, बिकॉज दे थिंक द पेरेंट्स जज देम, उनको लगता है कि पेरेंट्स उनको जज करते हैं, इसलिए वो लोग बात नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ। देर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन्स द चिल्ड्रन आर अंडर स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम समझ नहीं पाते हैं वो किस स्ट्रेस से गुजरते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा है पैनमिक के बाद, तो मैं देख रही हूँ कि वो दे वेंट इनटू अ ट्रॉमा बिकॉज उन्होंने देखा कि बहुत लोग मर गए हैं आसपास, और पेरेंट्स ने सिर्फ डेथ के अलावा कुछ बात नहीं की घर पे, और टीवी मीडिया ने भी वही हाईलाइट किया है कि कितने लोग मर गए कितने लोग जिंदा है। सो इवन इफ द पेरेंट्स आर स्टेपिंग आउट टेक इट वेरी स्कैर कि हो सकता है इनके साथ कुछ हो जाए, बिकॉज कोरोना हैड गिवन दैट काइंड ऑफ फियर इन द चिल्ड्रंस माइंड। सो आई थिंक अभी जब स्कूल खुलेगा हमको सबसे पहले जो टैकल करना है वो उनका ट्रॉमा ट्रैकल करना पड़ेगा। और मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन एज वेल, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, मैंने ये नोटिस किया है, मेरी सिस्टर खुद एक टीचर है और 18 साल से वो बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो टीचर बन जाओ। तो ये जो सोच है, आप कितना एग्री करते हो आप इस पर? मैं इसमें बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, बट लोग एग्री करते हैं इस बात में, बिकॉज वो सोचते हैं कि चलो अगर ना 9 to 4 ही तो है, चलो टीचर बन जाते हैं, बिकॉज उसमें जो है इतना प्रेशर नहीं होता, बिकॉज कॉर्पोरेट जॉब्स लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग करना पड़ता है, ऐसे सोचते हैं लोग। बट ये बात गलत है कि उसके लिए भी एक स्किल सेट चाहिए होता है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, उसके लिए भी जो है पैशन चाहिए होता है, बच्चों को यू नो बच्चों को भी पसंद करना चाहिए ना।
मतलब यू शुड हैव द अटैचमेंट टू द किड्स, यू शुड हैव द क्वालिफिकेशन. इसके बिना कैसे तुम टीचर बन जाओगे? लोग सोचते हैं इट्स वेरी इजी टू बिकम अ टीचर. नहीं, अंदर से कॉलिंग होनी चाहिए. जैसे मुझे होटल मैनेजमेंट करना था, मैं टीचिंग में गई बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे वो टीचिंग करना है, बिकॉज मुझे कुछ बच्चों के साथ करके उसको डिफरेंट सा उसको प्रूव करना है. बट आजकल का जो जनरेशन है, आई हैव सीन दैट सेम पैशन इज नॉट देयर. जो आजकल के टीचर्स आते हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ तो इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ तो आते हैं बिकॉज उनको टाइम पास करना होता है. पर एज ए टाइम पास वाले जो है बहुत दिनों तक टिकते भी नहीं है टीचिंग जॉब में, दे लीव द जॉब्स. सो इट्स बेटर दैट दे गेट ट्रेनिंग. एक ट्रेनिंग होता है, एक लेवल वन लेवल टू ट्रेनिंग्स होता है. और आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों देना पड़ता है टीचर्स को. अनलेस एंड यू हैव ऑल द हैंग ऑफ इट, तुम टीचर नहीं बन सकते. तो जैसे मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, 100 टीचर आपके समय में होंगे जब आप टीचिंग लाइफ आपने ज्वाइन की थी, तो उषा मोहन जी ही उषा मोहन क्यों बन पाएं? बाकी टीचर्स वो क्यों नहीं अचीव कर पाए जो आप अचीव कर? आपने क्या ऐसा डिफरेंट किया जो आप इस लेवल पर पहुंच पाएं? आई थिंक दैट अगेन, मैंने पहले भी आपको बोला था, वी नीड टू अपग्रेड आवर स्किल्स. बिकॉज जैसे होते हैं ना आर्मी में भी, या तो तुम उसी लेवल में लेफ्टिनेंट रहो, तुम्हें अगर मेजर बनना है, तुम्हें कर्नल बनना है, यू हैव टू पास एग्जाम्स, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू हैव टू डू ट्रेनिंग, देन ओनली यू कैन बिकम दैट. सेम थिंग अप्लाइज टू टीचिंग टीचर्स ऑल्सो. बिकॉज ऐसे ही तुमको जो है जॉब्स नहीं मिल जाते. बट आई वॉज वेरी लकी, लाइक आई डिड माई MA BEd, आई वेंट अब्रॉड एंड आई जस्ट वॉकड अक्रॉस कैम्पसन्स इंटरनेशनल स्कूल एंड मेट अ नाइजीरियन लेडी एंड सेड मैं ये सब तुम्हारा चेंज कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ. आई जस्ट चिट चैटेड एंड वी टॉक्ड अबाउट ज़ोडियक साइंस एंड वी जस्ट गॉट अलॉन्ग सो वेल. आई जस्ट गॉट अ प्रिंसिपल्स जॉब. नॉट मेनी ऑफ देम विल बी सो लकी टू गेट अ प्रिंसिपल्स जॉब लाइक दैट अब्रॉड. सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू नीड टू अपग्रेड स्किल्स. वन इज यू शुड हैव अ गो गेटर एटीट्यूड. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो है अपॉर्चुनिटी मिली उसको ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी मिली ग्रैब करो. सो इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी. हमारे पास आई थिंक 1000 से भी ऊपर टीचर्स थे इंटरनेशनल स्कूल जेदा में. और जेदा एक बीइंग अ मुस्लिम कंट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन एंड यू आर इन द इकामा ऑफ योर हस्बैंड. एंड इकामा इज समथिंग लाइक यू दे गिव यू एन आईडी लाइक वेर यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अनवर्किंग एंड हस्बैंड हैज टू गिव अप्रूवल फॉर एवरीथिंग. एंड इन सच सिचुएशन देर आर ओनली 2 पीपल वर सेलेक्टेड इन द होल ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जेदा एंड आई वॉज वन ऑफ देम टू गो टू दुबई टू डू अ वर्कशॉप. From there, my journey actually started. I was very young at that time when I was a teacher and I grabbed the opportunity. I was carrying my first child and everybody was so skeptical and saying, oh my God, I already lost a first baby. So they were thinking, oh my God, she again carrying and she's going and her husband is allowing her to go. But then, you know, that was an opportunity which I would not have got. It was a lifetime opportunity. थोड़ा सा मेरे लिए एक women empowerment की बात करूँगा क्योंकि last week हमारे studio में इतनी रावत आई थी. Or she is doing a lot of good work for the women empowerment. I want to understand what exactly you are doing as a woman. Yes, I saw Iti Rawat's video. It was fantastic, and what she is doing, womentastic, is excellent. So empowerment के लिए हम लोग कुछ करते नहीं हैं. हम जो हैं दिखाते हैं. हम जो it should be actually learning by doing. It's like that. So what I feel is gender equality is a must, and I never feel that women should be empowered so much that wo do kadam men ke aage chale. Or I'm talking about liberalism and feminism, I'm not for it. I'm for it wo kandhe se kandhe mila kar chale. Or men should respect women at a point, and women should be empowered in such a fashion that she should be able to make her own decisions. That should be there. And if women kehti na main husband se pooch ke karungi, wo it always depends upon women's helplessness. Is women is responsible for it. हम अब कभी नहीं कह सकते हैं कि एक आदमी ने उसको ऐसा बना दिया है. वुमेन अपने आप ही वैसा बनना चाहती हैं. नहीं तो हम हमेशा वुमेन को बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू कम आउट ऑफ योर शेल एंड स्टार्ट वर्किंग. तो दे विल ऑलवेज फील मैं कैसे करूंगी, मेरे बच्चे हैं, मेरे मतलब हैं, उनको देखभाल करना है तो मैं नहीं कर सकती हूँ. इट इज़ ऑल अ माइंड सेट. अगर तुम उनको कन्विंस कर सकते हो और वो भी सोच सकते हैं कि हाँ इस औरत को आगे प्रोग्रेस करना है और आगे करना चाहेंगे, जैसे मेरे केस में कि मैंने अपने आप ही स्टेप लिया है, किसी ने मुझे नहीं बोला, किसी ने रोका नहीं है. अगर मुझे कोई रोकता भी मुझे जो करना है मैं तो करूँगी ही. तो आई थिंक दैट वुमेन हैव टू बी एम्पावर्ड इन सच अ फैशन दैट वुमेन हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव द टैलेंट्स एंड दे हैव टू डू इट. बट ओनली थिंग इज मेनी वुमेन आर नॉट एबल टू मल्टीटास्क. दैट इज वन ऑफ द रीजन दे टेक अ बैक सीट.
It is not the reason that nobody is ready to support them or help them or anything like this. Yes, when they go out to work, there should be a support system at home. Otherwise, बहुत मुश्किल है कि एक औरत अगर कुछ करना चाहे उनके साथ support system ना हो तो एक आदमी और एक औरत को साथ चलना चाहिए और आदमी को औरत को respect करना चाहिए. So what we have done in our case, this would be a vice versa, I guess. not only women, not only men, even women have to support the men in their things. Right. That is what I am saying, that women should not take two steps ahead and prove that they're liberal. I'm not for it, because I'm not for that kind of feminism. I am for the feminism where men are a part of the feminine. So they have to walk together. That's what I believe in that. So if that happens, then from there you can show the gender equality. And many schools also think that men are better, like not schools, institution, many companies, they pay men better salaries than women and stuff like this. They should also think that women also equally working hard. So the payment also should be equally done, men and women. That's where the women empowerment, and they should fight for their rights. Unko apne rights ke liye ladna chahiye. Because tabhi unko pata chalega, haan, hum aadmi hai, aurat hai, doesn't matter. Hum equally wohi kaam kar rahe hai jo aadmi bhi kar rahe hai. So we should get paid equally. And I think this has started in many of these films where the actresses are claiming it. We are actually good as well as like actors. And we should be paid equally well like actors. So wahan par ladai ho rahi hai. Aur maine suna hai ki actors are paid more than the actresses. Right. Which is wrong. Okay. We are almost done. And before we conclude this conversation, ma'am, I always play a rapid fire round with my guest. So I'm going to play a rapid fire round with you. What is your favorite day of the week? Sunday. Why? Because I get to relax and get to sleep. Okay. Texting or talking? Texting. Texting? Yes. But you talk a lot. I talk, but I feel like texting is easier. Easier. Okay. If you need to give me a gift, like a book, which one you would like to get? A book? I'm okay, you're okay. It's a fantastic book. When? It talks about relationships and stuff like this, and we really know how to balance the parent, child, and this thing. So it's a very nice book, and it also talks about I'm not okay, you're not okay. I'm okay, you're okay. So when I can expect? Anytime. Okay. So, do you prefer a pen or laptop? Pen, because I love to write. Okay. Okay. What inspires you the most? There are a lot of people who have inspired me in my life, but basically I'm inspired by Barack Obama. I'm inspired by Abdul Kalam Ji. And as I said, in my childhood, my principal. Okay. Yeah. Okay. So if you could be an animal, what you would choose to be? Pegasus. Okay. Because you can fly? Yes. Okay. Okay. And what is your biggest fear in the education system? I have a fear one day it will come where this brick and mortar will not be required. That's the biggest fear which I have. People are investing huge money in schools, but there will be a time where everywhere, anywhere learning will happen. There's no need for a child to come to school. It will happen. It might not happen immediately, but 10 years down the line it might happen. And people should be prepared for it. Yeah. I was about to ask, ma'am, since we are the rapid fire round, I don't want to go back, but do you think AI and ML will take the charge of each and everything? Right now, doctors are not required because robots are doing jobs. There are engineers, the robots are doing the construction. So my fear is like when people are not even mopping and sweeping through robots, it should not happen that robots are teaching. It should not happen that way that artificial intelligence has taken over us, but human beings have to upgrade themselves. And probably I am visualizing that there will be a better version of a human being. People will start, you know, having chips inserted in their hands and everywhere to become like machines. So my fear is, are we going to become like a humanoid? Is what my fear is. And days are not very far, ma'am. And days are not very far. Exactly. Yes. This is what even I tell my people in the office, that you have to upgrade yourself because, take an example of the business which I do, recruitment. Recruitment will be taken off from the human very shortly. Very shortly. And AI and ML will take care of everything. Yes. Yeah. And last I have, ma'am, tell me the last dream you remember. Last dream I remember, I'm flying over mountains and flying over things, and I was just wondering, how did I get my wings? It was like that. So that's the reason I said Pegasus is my favorite. Because probably I'm still ambitious in life. That's what the conclusion can be, because
I don't know how to conclude my dreams. Like, why am I flying over? Okay, ma'am. This is a small gesture for you. This is a small thing which I've created. Okay. So that's all from my end, ma'am. Thank you so much for coming to this channel. Thank and you, giving and your normal namaste to everyone. Yeah. Before we conclude, guys, ek request hai aapse. Bacche jo bhi karna chahe na, unko karne do. Aap support karo unko. और हो सकता है थोड़ा आपके चाचा के मामा के बेटे के भाई से कम पैसे कमाएं, लेकिन वो खुश रहेंगे. ट्रस्ट मी, आई एम द एग्जांपल. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए बड़ों का नमस्कार, छोटों को प्यार. थैंक यू मिस्टर राज एंड थैंक यू बियर बुक्स.